नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सबको मेरा सलाम है। दोस्तों, मैं साजन कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है समझ आया क्या। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक ऐप लेके आया हूँ। गूगल ने उसे लॉन्च किया है, बेटा ऐप है अभी ये, फिलहाल इसका वर्जन लॉन्च किया है। तो सब लोग बता रहे हैं इसके बारे में, लेकिन मैं कुछ ऐसा बताऊंगा शायद जो किसी ने नहीं बताया हो, कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको। मैं ये नहीं बताऊंगा उसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, मैं उसके फीचर्स बताऊंगा आपको, गूगल का मेन मकसद बताऊंगा उस ऐप के पीछे लॉन्च करने का। पहले भी हम वीडियोस करते थे उसमें यूज, बता देता हूँ क्या है वो, ठीक है। पूरे फंक्शनिंग बताऊंगा आपको मैं उस ऐप की, किस तरह से यूज करना है वो भी बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसका मेन मकसद बताऊंगा गूगल का उस ऐप को लॉन्च करने के पीछे, वो कोई नहीं बता रहा। तो उसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको समझ आ पाएगा कि इस ऐप को इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। जब हमें ये चीज का पता चलता है ना फ्रेंड्स, कोई चीज अच्छी है या बुरी, हम तभी यूज कर पाते हैं उसे अच्छी तरह से। सब लोग इंस्टॉलेशन करिए, ये करिए, लेकिन उसकी बुराई कोई नहीं करता, अच्छाई बताते हैं सारे, ठीक है। तो मैं बुराई नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज कुछ बताऊंगा कि आप परख सकेंगे हाँ इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, यूज करें या नहीं करें, ये फिर आप फैसला कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ टॉपिक को। लेकिन उससे पहले जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो न्यू अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ टॉपिक को। ऐप का नाम है यूट्यूब गो ऐप, गूगल ने लॉन्च किया है, बेटा वर्जन है। आपको बता देता हूँ, देखिए पहले भी इसमें क्या है, हम वीडियो को सेव कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सेव तो हम पहले भी कर सकते थे ऑफलाइन, लेकिन फ्रेंड्स इसका क्या फायदा होगा, ऑफलाइन सेव करने पे आप वीडियो को बार बार देख तो पाएंगे ही, लेकिन शेयर भी कर पाएंगे। गूगल ने स्पेशली इसे इंडिया के लिए बनाया है, ताकि इंटरनेट यूसेज जो है वो कम हो सके। आप जो बार बार YouTube सर्फिंग करके देखते हैं वो उसमें फायदा हो जाएगा, आपकी इंटरनेट एमबी नहीं लगेगी, ऑफलाइन सेव कर लेंगे तो उसे बार बार देख सकते हैं। दूसरा उसका जो फायदा है, आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, दूसरे को बिना इंटरनेट यूज किए दूसरे पे के मोबाइल पे वीडियो को आप सेंड कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू, ये फायदा होगा। तीसरी चीज आपको बता देता हूँ, देखिए लोग सोचते हैं भैया ऑफलाइन सेव करने से फायदा क्या हुआ, डाउनलोड तो हमने कर ली ना वीडियो, लेकिन इसमें आपको ये भी फंक्शन आएगा आप कितने एमबी की करना चाहते हैं, कौन सी क्वालिटी की, HD 3GP हर क्वालिटी की आपको ऑप्शन देगा ये ऐप कि आप इस जो है साइज की कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक मेन फायदा और होता है फ्रेंड्स, जो हम वीडियो ऑफलाइन सेव करते हैं वो हमारी मेमोरी में नहीं जाती, हमारा फाइल मैनेजर जो होता है वो उसकी मेमोरी नहीं लेता, वो सिर्फ उस ऐप में रहती है, आपकी इतनी मेमोरी नहीं रहती उसके लिए, तो आपकी स्पेस खाली रहती है, ये फायदा होता है ऑफलाइन वीडियो सेव करने का। तो मेरे ख्याल से ये ऐप आपको अच्छा लगेगा, मैं बता देता हूँ इसकी फंक्शनिंग किस तरह से यूज करनी है, ऐप कौन सा है वो भी बताता हूँ मैं आपको। चलिए तो ये देखिए मेरे मोबाइल में ये मैंने डाला हुआ है, ये देखिए ये है ऐप, वो आपको बता देता हूँ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से, आपको दिख पा रहा होगा। तो देखिए ये है, ये देखिए ये है YouTube Go ऐप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने जो है अपने इंस्टॉल करना है मोबाइल में, इसको करने के बाद आपको बता देता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ ऐप है ये। उसके बाद ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, यहाँ पे आपने नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद आपके नंबर पे कोड आएगा फ्रेंड्स, कोड आने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है आपने कोड आने के बाद इस ऐप को जो है आप क्या करेंगे जो है यूज कर पाएंगे, वीडियो को शेयर कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। तो ये आई थिंक वीडियो आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल होगी। तो सो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल समझ आया क्या, थैंक यू।